आज चाप बनाने वाले हैं है ना, चॉप्स। तो चॉप्स ओवन अक्सर हमारे यहाँ अभी भी इतना कॉमन नहीं है, तो बिना ओवन के आप बहुत अच्छी चॉप्स कैसे बना सकते हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो चॉप्स हैं आप ये देख लीजिए कि पहले किस तरह की होनी चाहिए चॉप्स, बिल्कुल ठीक है। और इन्हें आपको बहुत ही केयरफुली रखना है धोते वक्त भी, ताकि ये गोश्त जो है यहाँ से हटे नहीं। ये देखिए सारी चॉप्स जो हैं आपकी वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इनको बहुत अच्छे से वॉश करके रखना है, फिर इसको कैसे बिना ओवन के हम बहुत अच्छी चॉप्स बना सकते हैं वो हम देखेंगे। इसमें आपने सबसे पहले है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, उसका पेस्ट है। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो दही, थोड़ा दही, ये दही भी हो गया है पिसा हुआ, भर के बहुत सारी है वहाँ पर, पिसा हुआ हरा धनिया, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हाँ बस इसका भी हाफ स्पून, हाँ हल्दी पाउडर और थोड़ा भुना हुआ जीरा, गरम मसाला पाउडर है, नमक, ठीक है। तो स्वाद अनुसार ये एक चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस से कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये हेल्प भी करता है इसको सॉफ्ट होने में, ठीक है। हो गया आपका बहुत अच्छे से मिक्स, मैरिनेशन तैयार है ना। और अब क्या करना है, और अपनी ये चॉप्स इस तरीके से तैयार है। और एक कुकर लेना है आपको बड़े साइज का, जिस साइज का आपके पास जितना आपके पास मटेरियल है उस साइज से आपको कुकर लेना है। अब हमको ऐसे एक एक पीस बहुत बस, हाँ इसको ऐसे बस मैरिनेशन पूरा इसको मैरिनेट कर दे, ठीक है। ऐसे हमको एक एक पीस मैरिनेट करके और ऐसे एक एक पीस को हमें कुकर में बिल्कुल ऐसे जमा देना है। ये चॉप्स जो आपकी वो टूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही सेफ्टी के साथ आपको इन्हें मैरिनेट करना है और कुकर में आपके बर्तन में जमा देना है, ठीक है। क्योंकि ओवन अक्सर अभी भी हमारे इतना चलन में नहीं है, तो चॉप्स बिना ओवन के हो गई मैरिनेट बहुत अच्छे से। अब हमें इसे जैसे कुकर को अपन गैस पे लगाते हैं वैसे इसको लगा देना है, और मीडियम हीट पर, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो। इस पर हम एक सिर्फ सीटी इसमें लेंगे, इनको निकाल के इधर थोड़ा सा इनका पानी जो है वो खुश कर लेंगे। अब उसके बाद अपने को थोड़ा सा ऐसे फ्राई पैन पे तेल डाल के अब इनको रोस्ट करना है, बहुत अच्छे से कलर आने का। और ये देखिए जब इस तरह का खुशनुमा कलर इन पर आ जाए तो फिर आपकी ये चॉप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी है। आप इन्हें निकालिए नींबू के साथ, थोड़े प्याज के साथ और थोड़े से प्यार के साथ, फिर आप इनको सर्व कीजिए।
सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।